चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही है जैसे पड़ोस के देश ने बम डाल दिया हो। बम नहीं, मैंने तुम्हारे गिलास में सोडा डाला। सोडा? सोडा क्यों डाली? नहीं तो क्या घासलेट डालने का था? अबे तेरी तो... नहीं, मैं क्या कहती हूँ, तुम तो रोज ऐसे सोडा डाल के पीते हो नहीं? अरे बगर भेजे की खोपड़ी, ये ठर्रा नहीं है, इम्पोर्टेड विस्की है, तेरे बाप ने कभी देखी है? नहीं देखी। अरे इसमें सोडा डाल के पीऊंगा ना, किक लगेगी ना, गियर चढ़ेगा, सीधा रिवर्स गियर में टन 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 टन। अभी तुम तो रोज नई नई बोतल बदलते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमको कभी किक लगता है, कभी गियर बदलते है, कभी टन 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 होते है? ये मालूम होना चाहिए कि मर्द कब पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है, ये जानकारी रखना भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, समझी? ये ले, ए पकड़। मैं ना छोटी थी ना तो रोज क्रिकेट खेलती थी। जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख, कितना ही हे बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है, वो बे वाला बे नहीं बोली मैं, हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल दो। और ये एक, एक और दो मिलाकर कितने हुए? तीन। नहीं, चार। अरे अरे ये चार कैसे हो सकते हैं, दो और एक को मिलाकर तीन ही होते हैं ना? वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलकर चार होते हैं, बोल कितना? चार। या वेरी गुड, और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? अरारा, ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। अरारा, ये बंद करे सुन, कि बेटा नहीं तो ये गप सीधा। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश रहूं, तूने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा आइंदा अगर तूने कोई गलती की ना, तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी चाकू घुसे हुए खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ, मुझे कुछ भी करने का करो, रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे लिए हमारे घर के साई बाबा है। हाँ। साई बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2000 रुपए उधार दिया ना? अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं एक महीने का, इतने से पैसों में हमारे घर का साई बाबा बनता है? तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ, 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ, तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। आड़ा तेरा मुंह क्या कर रही है, सर लाके डबल एक्शन कर रही क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा और वादा के भीख मांगना, बारह आना दे, 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बॉल अंडा ले क्या? किसका लाऊं, मुर्गी का लाऊं? नहीं, हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होते ही नहीं है ना। ए बच्चा पकड़ो, नंबर 1 शाबाश, नंबर 2 पकड़ो, दैट्स ग्रेट, ए छोटे पकड़, शाबाश, ए पकड़ो, वेरी गुड डैडी, ये तेरे लिए है, पकड़। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है, इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे। ए तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को नई नई शादी हुई थी हमारी, सुहागरात के दिन लुंगी लाई तो भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे, मर्द मर्द होता है वो। तो देखो अभी मैं एक बात बताऊं, तुम गाली देते हो ना, जब इनोसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है। जिंदा रहो ना एकदम। चल सिगरेट जला, चल। ठीक है। ओ, मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या बो, बो। ये क्या है? कुत्ता।
तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। भू कुत्ता, ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर दूंगा मैं, समझे? चल जला। अरे अरे, ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला, मत रखो इसको मुंह में, मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे, उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकलो, निकलो इसको मुंह में से बाहर निकलो। मैं कहता हूँ जला, उड़ जाओगे। जला नहीं, पति पति पति, जला पति 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 पति। विमला, अगर हमारा काम जैसा सोचा वैसा हो गया ना, तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे अरे, लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। चुप चुप बोल और दुआ कर, अगर काम हो गया ना तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं, महारानी। अरे अरे, क्या कर रही हो? चार जन्मों तक नहीं, सात जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे सात जन्मों तक? तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ, है? चलेंगे हाँ। अबे उठ। अरे अरे अरे, मैं तो जा रहा रहा रहा। अरे रुक के, अरे भाई क्या है? क्या? अरे दो कौड़ी की औरत तेरे को तो मैं। अरे हट जा यार। ए क्या बोली मेरी बात तो सुन। क्या बात करी तू? तू मैडम की तरह नौकरी पे बंधन की जाएगी और मैं हिजड़े की तरह घर में बैठ के बर्तन मार दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर। इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तुमने सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाया है, आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाना तो मेरा नाम बड़ी आए मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें? अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। अंजलि, दिस इज टू मच, थ्री मच, मगरमच्छ, स्टॉप दिस मच 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 ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा? रुको रुको रुको, अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। हाँ। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माची जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। आरा आरा आरा। कोई है ना, इनको अक्कल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते नहीं तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते होते। खड़े रहे, मेरे जूते में डाल खाने वाली जबान चलाती है। मुंडी काट कर रखूंगा, पेट काट कर रखूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बच गई। काट के फेंकोगे? काटो काटो, मैं भी देखती हूँ, काटो। सिस्टर एक मिनट, तू ये नौकरी छोड़ देगी? तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। ए यू यू, दो महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी। चुटकियाँ बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा, करके दिखाओ दो महीने में। ओहो, पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा देख लेना, पति की बात ना मान कर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत। और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही, तो हम भी भारतीय नारी नहीं। हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना। देख लेंगे क्या, हम तुम्हें दिखा देंगे। आरा रा, रा, हम भी तुमको दिखा देंगे, जाओ। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, यस चैलेंज। चलो ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम। हाँ आज बहुत देर हो गई है। ओहो, हम लोग को बहुत लेट हो गया। हाय मम्मा। क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं। क्या बात है, हमारे नौकरी मिलने के एक हफ्ते बाद ही ये लोग इतने बदल गए? अरे वाह, उसमें ऐसा ही नहीं, हम लोग कमाने को जाते,
तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को। चलो देखते यार, चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। हाँ, और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। हाँ, अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना हाँ, तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। हाँ? अच्छा, तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी। हाँ? हाँ, सुन लिया हम लोग ने। तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो ने, वो मालूम पड़ गया। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है हाँ? मगर मुंह से मिर्ची निकलती है, मिर्ची। ए, मैं दाल में मसाला डालूं या काला ग्रीस डालूं? पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक ठीक है। हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसी आंख मारी। उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा, इधर इधर इधर। क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आंख मारी? हाँ, आंख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। क्या बोला? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है। तुमसे किटकिट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। हा? ये क्या है हाथ में, ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये चावल है, चावल। अरा अरा, ये चावल नहीं है, ये कौन की है? ये आदमी खाएगा नहीं तो पेट पे गोल बोल जाएगी। और ये क्या है? ये सब्जी बनाने का तेल। मिस्टर, ये तेल नहीं है, कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल। इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ये तो 100% नमक होगा, गारंटी के साथ। 100% नमक? हाँ, चूहे मारने का सफेद हा? पाउडर है। हा? खाओगे ना तो सीधे ऊपर। मारेगा क्या? ये इसको खिला, खा तू। सुनो, औरतों का काम औरतों को करने दो। हाँ, मर्दों के बस का रोग नहीं है ये, समझे? ऐसी क्या देख रही है रे? तू समझ क्या रखी मेरे को? पीकर फेंकी हुई खाली बोतल समझ रखी क्या मेरे को, इस अप्पू खोटे को? हैं, फोन पे हुकुम चलाती है, एक महीना काम ने के इतनी चर्बी चढ़ गई और मैं सालों तेरे को पाला पोसा, मुझे कितनी चर्बी चढ़नी चाहिए, बोल। रेवाते रेवाते, ऐसे फोकट में खाना नहीं खिलाया मुझे। मैंने भी न दिन देखा न रात देखी, ऐसे ऐसे जानवरों की तरह काम किया मैंने तेरे लिए, तब जाके मुझे दो वक्त खाना खिलाया। करने का मेरे साथ बोल देती हो? बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया तूने, इंडिया को अमेरिका बना दिया। अरे जा जा, तेरे जैसे मतलबी आदमी के लिए मैंने जितना काम किया है ने, उतना काम मैंने अगर इंडिया के लिए किया होता ने, तो कब से वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली से बुला लिया होता और 33% कोटा में से MP की टिकट भी दिला दिया होता। कितना कॉस्ट उठाया मैंने तेरे जैसे फालतू आदमी के लिए। तूने जब भी बुलाया मैंने आकर तेरे पैर दबाए, तूने जब जब दारू पी मैंने उसमें सोडा डाला, और यहाँ तो की जब जब तूने मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ा ने, मैंने उसकी बास को सेठ समझ के सूंघ लिया था। बोल बोल बोल, जितना बोलना है बोल, मैं तेरे थोबड़े की हिस्ट्री बदल दूंगा, देख ले। लोग तेरे इतिहास पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे, बताने लायक मैं रखूंगा नहीं तेरी तो। मेरे को धक्का मारती है आज तू तो खलास। रुक जा डैडी, मेरी माँ को हाथ लगाया तो दूंगा धोबी पछाड़। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? ए बाबा, मेरी माँ को हाथ लगाया तो फोड़ डालूंगा। अगर तू फिर कहेगा तो सड़क पे मारूंगा। अबे अबे, बॉल समझ के बैठते मर रहे बाप को। अब मैं समझा तूने बैट क्यों खरीद के दिन को, हाँ? अंदर ही अंदर पिल्लों की गैंग बनाकर मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को कब कहाँ किस वक्त किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। अब सुन ना मेरे दिमाग का धमाका तेरी तो। अबे कुछ नहीं कर रहा बेटा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अकेली मिलना। टेंशन टेंशन, इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। सर, जी सर, एक मिनट, बात करनी थी। क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ? सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है। हाँ, है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, नौकरी तो थी
मगर आज ही 3 आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी, साहब जी, ट्राई तो करो। आप कोशिश करोगे जगह निकल आएगी। क्या भाई, तू समझाने। सर, वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। क्या? सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे। बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस? डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। पति? अरे तुम्हारे पति है इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब, इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं। हाँ। और मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। साहब मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर। अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी, मेरा दफ्तर यार बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा, टेंशन, हवा, टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? जी जी जी, कैसे हैं हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का हो? मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देते है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? गुटका। वो कबूतर? कबूतर। उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। मेरी नौकरी चली गई, इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पति बर्तन नारी साहब ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड, आत्महत्या? Suicide? It's a crime भाई, ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ, 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब, या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्महत्या है। आप सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाते ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, रास्कल फेलोस। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सर जी, माफ कर दो उन्हें। अरे अरे, क्या कर रही है, क्या कर रही है? माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। थैंक यू। वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर, आप बहुत महान हो। थैंक यू सर। हाँ
अच्छा वो ना मान गए वो? हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, बाबा। देखो हम दोनों मिल के कमाएंगे ने, तो डबल इनकम होगी, घर में डबल सुख मिलेगा हमको, हर जगह समाज में हम लोगों की इज्जत बढ़ेगी, वरना बेइज्जती है, हैं? और मैं क्या कहती हूँ, मेरे पगार में से मैं तुमको 1000 रुपया दे देगी, मस्ती करना उसके साथ। लेकिन देखो मेरे को नौकरी छोड़ने के लिए मत बोलना मेरे राजा। चुप, हाथ निकल। एक महीना नौकरी करके तुम मुझसे कितनी दूर हो गए तेरे को पता है? अब जरा ढील छोड़ूंगा ना तो तू कटी पतंग हो जाएगी। चक्कर नहीं है, चोरी है, रामपुरी है, समझी? अपना मर्डर करवाने वाली ऐसी बहकी बहकी बातें करेगी, ये पिछले महीने मैंने सपने में देख लिया था, इसलिए कह रहा हूँ अब मुझे भाषण मत दे, तेरा मर्डर का समय आ गया है। और ये रामपुरी है ना, मैंने स्पेशली रामपुर से बनवा के मंगवाया है, ये तो घुसेगा तेरे पेट में है और निकलेगा झुमरू की, समझी? मंगलसूत्र ना, ये तो चिता में जलेगी ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल सूरज निकलने तक तूने नौकरी की बात की तो रात की चंद्रमा देख नहीं पाएगी तू, ये वार्निंग नहीं है तेरी तो। अभी छुरी मारी नहीं मैंने, क्या खाली रिहर्सल किए देख, समझी? गुड मॉर्निंग। आज तुम लोगों को अपना पति कहते हुए हमें शर्म आ रही है। ए, अपनी पत्नी को मारते? मैं तेरी चटनी बना दूंगी। ए, सपोर्ट करती है क्या? मैं तेरी चटनी बना दूंगा, तेरी तो, ये ले नींबू की चटनी, ये ले आम की चटनी, तेरी तो। ये आदमी तो ऐसे मारता है जैसे भैंस का ना डंडा मरते है। और ये भगवान करे तेरे ना ये सब दांत टूट जाए, तेरे ना हाथ में कीड़े पड़े, तेरा है ना मुंह ऐसे वाकड़ा टिकड़ा हो जाए, तेरे पैर है ना ऐसे टेढ़े हो जाए, तेरे सब बाल गिर जाए और लोग तुझे टकलू टकलू बोले, और फिर जब तू रास्ते में ऐसे भीख मांगेगा ना तो कोई तुझे भीख भी नहीं देगा, जा। भीख मंगवाई मुझसे, भीख मंगवाई क्यों मुझसे? अरे भिकारन, अब बाहर निकल, घर के बाहर निकल, घर में कदम नहीं रखना, बचाओ मुझे इस गुंडे पति से, बचाओ। अरे बंदूक बंदूक कहाँ कर रहे हो, कोई औरत को इस तरह मारता है क्या? कर डालूंगा इसको। मारता है औरत को इस तरह क्या? मारू इसको तो मारूंगा। अरे अबे कहाँ कर रहा है बे? अरे ये मेरी औरत है, इसको मारू काटू चलाओ, तू कौन है? अरे कोई खरीद रही हो क्या इनको? अरे खरीद लियो, कोनो भेड़ बकरी है, अरे औरत है, क्या कर रहे हो? ये मेरा घर का मामला है, तो हट जाएंगे। तो घर में सुलझाओ बंधु, घर में सुलझाओ। अरे मैं रोड पे सुलझाऊं, मार्केट में सुलझाऊं, असेंबली में सुलझाऊं, तू है कौन बीच में बोलने वाला? अरे असेंबली कहाँ से आ गई, फैमिली है। देखो एक मिनट, एक बात सुनो, एक बात हमको अच्छा नहीं लगता। देखो पति पत्नी का जो चक्कर होता है, जब प्रेम करते हैं आपस में तो दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हैं, हवा वाल बत्ती बुझा देते हैं, और उसी पत्नी के साथ जब झगड़ा करते हैं तो बताओ 20 घर का बत्ती जला देते हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे मैं 20 घर का क्या, 20 मोहल्ले का बत्ती जलाऊं बुझाऊं, तू है कौन बीच में? बंधु 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 हमारी बंधु हमारी हमारी एक बात सुनो। देखो हमारा क्या है? क्या है तुम्हारा? हमारा यह है कि हम पहले मुलाकात करते हैं, फिर प्यार की बरसात करते हैं, फूलों की बरसात करते हैं, उसके बाद हम मुकालात करते हैं। देखिए गर्दन का लटका रहा है, पुलिस से बचाया इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आपको, समझ लीजिए। ये हम मर्दों और औरतों का मामला है, इसको क्या आता औरतों को हैंडल करना, इसको तो आता खाना पकाना और कपड़े धोना। अब देखिए हम बहुत कुछ और धुलाई कर लेते हैं, और कभी कभी तो बगैर पाउडर के धुलाई करते हैं। बगैर पाउडर जी? ये कौन सी धुलाई है? वो भाभी जी ने देखी है उस दिन, भाभी जी आपने देखी है फ्री में हमारी फ्री स्टाइल कैसी लगी जरा बताइए। नहीं जरा बताइए, देखिए देखिए आप अपने औकात में रहिए, वरना वरना क्या? अरे वरना एक बार फिर से हम आपका हाथ जोड़ते हैं यार। जाओ अपनी औरत से सलवार कमीज धोना, अगर कम पड़े तो मेरा कमीज पैंट पे ले जाना। अबे ओए सड़े हुए टमाटर की फुफुंदी वाली चटनी, बासी कड़ी के बास मारते हुए बेसन, जमाने के बिगड़े हुए फैशन, जले हुए आलू की कालक, कीड़े पड़े हुए पालक, फिटकरी की फिटकार, औरतों की धुतकार, देख कैसे खड़ी करता हूं मैं तेरी खाट और कैसे लगाता मैं तेरी वाट। ले कंटाप, ले कंटाप, ले कंटाप, ले कंटाप, ले कंटाप, चल तू तो। अब मालूम है तेरे को हम पहले मिलिट्री में काम करता था। मैं भी मिलिट्री में था। कहां करता था? तू मिलिट्री में? ये सब मेरे को मालूम है, मैं मिलिट्री के होटल में था। तो मिलिट्री होटल में कहाँ काम करता था? दारू की खाली बोतल ले जाता था। अबे तो बोल ना, भंगार का काम करता था। मारता का कोई कोई प्रॉब्लम है तो चलना साइड में चल के सॉल्व करते हैं। गुड आइडिया, अच्छा साइड में आइए। हाँ। आइए आइए आइए। जाने करंट
जाने दो, हम साथ रहना, जाने दो। और कुछ बोलना है आपको? मेरा हो गया ना। तुमको कुछ बोलना है? वो जाओ, नहीं बोलना है तो चलो। मेरा तुम लोगों का मरना है कहा? इनका मुँह लग रहे हो, जानत हुई कौन है? कौन है? पहले मिलिट्री माँ थे, फिर गुंडागर्दी साफ करने के लिए गुंडा बन गए। इनके आने से गुंडा अपना एरिया बदल देते थे, पुलिस वाले अपना ड्यूटी बदल देते थे। इनका मुंह ना ही लगो, ई तो हर दुनिया बदल देंगे। चलो सजनवा। अरे कहाँ चले, जान से मार देंगे हम इनको। जाने दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए इन्हें, हम माफी मांगते हैं। वो बस देखा, ऐसी होती है औरतें, ये होती है औरतें, और एक ये है। अरे हमको क्या पड़ी किसी के झगड़े में पड़ने के लिए? वो तो हमने देखा कि इनको मार रहे थे तो हम आ गए। अरे एक लड़की अपने मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डालकर, अंधविश्वास के साथ, बगैर कुछ सोचे समझे किसी अनजान परिवार में चली जाती है, तो उस लक्ष्मी को, उस सर के ताज को इन लोग पांव का जूती समझ लेते हैं। हमारी पिटाई तुम हिट फिल्म की तरह देख रही थी। इज्जतदारों के साथ झगड़ा करोगे तो ऐसे ही होगा। मेरे घर में रहकर मेरी पत्नी होकर तुम उसकी तरफदारी करती हो तो जाओ, जाओ उसके पास। अरे मैं क्यों जाऊँ उसके पास? अगर तुम इस घर में रहकर मेरी इज्जत नहीं कर सकती तो तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। चलो चलो यहाँ से। मम्मी मम्मी अभी मत जाओ। मम्मी 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 कुछ नहीं, चल हट इधर आ। अरारा अरारा अरारा, देखती क्या चल रहा था ना? मेरी बात तो सुन। अरे गुंडे को लाके पिटाई कराई तूने? अरे इस घर के आजू बाजू में क्या गली में भी नजर आई ना तो हड्डी पसली तोड़ के कुएं के बाजू में काट दूंगा तेरे को, समझी? अबे हट जाओ मम्मी, मम्मी निकल आ गए। चल बेटा हट। पचास किलो संगे मरमर से तराशी, सुराईदार गर्दन वाली, इनकी खटिया खड़ी करने वाली, गुलाबी पंखड़ी, आजा स्वागत है, आजा आजा रे। तो ये तुम्हारा कुटिया है? ये कुटिया नहीं है, ये प्रेम नगर है और इस प्रेम नगर की तुम अफसरा हो। अरे अरे किसी टपोरी छोकरी को उठाकर लेकर आए हैं लोग और तारीफ तो ऐसे कर रहे जैसे वो मैडोना हो। बोलो तुम्हारे आने से आंगन में बाहर आ गई है। काम समझ में आ गया क्या? अच्छा अच्छा काम वाली बाई लाए हैं। सुनो तुम दिन में काम वाली हो और रात में घर वाली। हाँ। तेरी माँ ने तुझे जन्म क्यों दिया? तू सबसे पहला काम। ओके। मेरी एक बच्ची है, इनके चार बच्चे, उनको नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना और स्कूल भेजना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सौतेली माँ भेजती हो। हमारे बच्चों के सपने में भी असली माँ नहीं आनी चाहिए। ओके नहीं आएगी। मैं आऊंगी। और जब हम लोग सुबह ऑफिस के लिए जाएं तो सुनो जी, सुनो जी कहते हुए गेट तक आना और गाल पे एक झटकेदार चुम्मा देना। इंडियन चुम्मा, इंग्लिश चुम्मा या फ्रेंच चुम्मा? दिन में तो कुछ भी कर, लेकिन रात में हम तीनों की रानी है, समझ गए ना? रात में हम तीनों के बीच में बैठ के गिलास में भर के अपनी आंखों से पिलाती जा, पिलाती जा, पिलाती जा। अरे आंखों से क्या, अपने दोनों हाथों से पिला, लेकिन उसको जहर पिला दे तो झंझट ही मिट जावे। ये ज्यादा भंकस करी ना, जहाँ तू खड़ी है वहाँ समाधि बना दूंगा तेरी। अरे जा जा। अरे यार उसको तो पसीना आ रहा है यार। पंखा लिया यार, यार पंखा लेके आ रहा हूँ, पंखा लेके आ रहा हूँ। देख पंखा ला रहा है। अरे मैं अभी बाजार जाता हूँ, ठंडा ठंडा रूह अफजा लेकर आता हूँ शरबत। जल्दी जा यार, जल्दी जाता हूँ, वेट मत कर यार। सुकेश जी तू दिन भर तीनों के घर में काम कर और रात को तीनों की आंखों में धूल झोंक कर सीधे मेरे घर आना, फिर अपन करेंगे डिंग डांग डिंग टांग डिंग। अबे ओ काले मुख का बंदर, बहुत उछल कूद कर रहा है, ठहर मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ अभी। किधर है, किधर? ये अभी। अरे विमला क्यों जी? हाँ जी। घर में तुम्हारा वाइफ नहीं जी? कल तक तो थी। हाँ? लेकिन आज पड़ोस के मास्टर के साथ निकल गई है। क्या बकवास कर रहे तू? अभी मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ, देखना पति की जो इज्जत है ना वो गई हवा खाने। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सलाम मर्द पे हाथ उठाके तू, आज मैं तेरा जिंदा नहीं छोड़ूंगा साली। अरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालूंगा समझे? तू क्या मेरे टुकड़े टुकड़े करेगा? मैं तेरे को खलास करेगी। अरे संगे मरमर की मूरत बिल्ली, भाग नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी बात, अरे मेरी बात सुन। अरे वो भागे ना, चली गए, क्या कर रही है? अरे भागे, 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 भागे
पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज है ना, मैं तेरी जबान को ऐसे ककड़े की तरह कट 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 के छोटे टुकड़े निकाल डालूंगी ना, तो मेरा नाम भी विमला सूरत वाला नहीं है। किधर गया वो? विमला बहन सूरत वाली, तेरे को मार के काट के नहीं फेंका ना, तो मेरा नाम भी अप्पू खोटे नहीं सनाप चप्पू खोटे। अरे जा जा, ये तेरी तो ये राख, ये जहा, ये समझ क्या रखी तूने? हाँ, अरे तेरे को, अरे अरे नहीं, अरे क्या करेगी, अरे क्या करेगी, अपने पति को मारेगी, अपने पति को मारेगी तू? पति बात यारी, औरत को लेकर आता अपने आप को पति बोलते? अरे इस जीवन में तू मेरा पति रे ना रे, लेकिन मैं तेरे को इस जिंदगी में तो नहीं रहने दूंगी। अरे लेकिन आज मैं तेरे को जीता नहीं करूंगी। मेरे को मत पा मेरी बाह, तू अंबे है, जगदम्बे है, मैं तेरे पैर पड़ता, मेरे को छोड़ दे। अब मैं तुझे देवी लगती हूँ, अब दिखाती हूँ मैं तुझे अप्पू खोटे। ए, ए, पागलों क्यों, क्या क्या तुम इसे जान से मार डालोगी? अरे अरे तुम मेरे मासूम दोस्त को मार डालेगी? अरे इसे बचाने के लिए कोई मर्द है क्या? अरे अरे तुम क्या कर रही हो? अरे कर कैसी पत्नी हो तुम? तू मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना तुझे भी जान से मार डालूंगी मैं, बोल देती हूँ। अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की बोल क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल, अरे बोल ना कुछ तो बोल। साला तू मेरा दोस्त नहीं हो, तुम साला दोस्ती के नाम पे मेरा दुश्मन हो। मुझे शर्म आती तुम लोग दोस्त कहते हुए। अरे तुम तो जब तुम्हारी पत्नियां है जो मेरे दुश्मन हो, तुम्हें मुझे बचा लिया। अरे क्या क्या कह रहे हैं? मैं मेरी माँ के बच्चा हूँ, आज मेरी पत्नी में मैंने दुर्गा का रूप देख लिया है। देखो देखो इसकी हालत, देखो इसकी हालत ऐसे हो गई है जैसे 360 वोल्ट का करंट लग गया हो। आइडिया, ऐसे टाइम पे हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। दिमाग के ढक्कन खोल के हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि इसकी पत्नी ने इसके सर पे मार के इसके पेट में चाकू मारने की धमकी दी है। ऐसी कंप्लेंट हमें पहले ही कर देनी चाहिए। सबसे पहले तू इसे अंदर लेकर जा और जाके रिपोर्ट बना। चल चल अंदर, तब तक मैं इन लोगों को देख कर आता हूँ। अंजलि क्या? अरे वहाँ से क्या चिल्ला के बात कर रहे हो? दम है तो सामने आके बात कर। अच्छा, इन लोगों के साथ मिलके पलटन बना के जो साजिश की है ना, 6 महीने के लिए अंदर करवा डालूंगा। तू जेल में होगी और मैं उस काम वाली के साथ रोमांस करूंगा, एक बच्चे का बाप बनूंगा और वो बच्चे की फोटो ला के तुझे दिखाऊंगा कि देख बच्चे की फोटो देख। अच्छा, इतना लंबा सीन सोच के रखा है तुमने? सीन क्या, मैंने तो पूरी फिल्म सोच ली। अरे क्यों झुक रही हो मेरे पैरों में? मेरे पैरों में गिरने के बाद भी तुम कभी माँ नहीं बन सकती, जिंदगी भर बांझ बन के तड़पती रहेगी तू। मुझे बांझ बोला तुमने? हाँ, मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी। देखो ऐसा मत करना, पाप लगेगा तुमको। अरे लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे दरवाजा बंद करो। अरे मेरी पत्नी ने मुझे मार मार के लाल कर दिया यार। क्या? तेरी पत्नी ने तेरे को धो दिया? अरे ऐसा वैसा धोया जैसे सचिन तेंदुलकर बॉल को धोता ना, वैसे ही धोया यार। जरा सी ढील क्या दी, सब सर पे चढ़ गई। अभी देखता हूँ उन्हें। अरे बाबा तेरे को भाड़ देंगे, ये बहुत खतरनाक साजिश कर रहे हैं। अबे डरता क्यों है, छोड़ मुझे। अरे हम डरते नहीं है, ये जरूर कोई साजिश है, ये सोचने का समय है। अरे इसकी पत्नी अनपढ़ गवार जाहिल है यार, लेकिन मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, जितनी पढ़ी लिखी है उतनी बड़ी ईंट से मारा है यार। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जरूर कोई गैंग का हाथ है।
क्या 100% गैंग का हाथ है। ए बाप रे, एक काम करो, वादा करो, हम जब भी कहीं जाएंगे ग्रुप बना के जाएंगे, चाहे इसके लिए भी जाना पड़े, ग्रुप बना के जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे, याद रखना। अबे खोलो, ये लेडी रावण मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यार। मैंने बोला ना, बहुत डेंजर लोग हैं ये तीनों, हमारा घेराव करके हम लोगों को छुरे से मारेंगी। लगता है हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। देखो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो कुछ करना है यही करेंगे। अबे चुप, इनका हिसाब किताब तो मैं अभी करके आता हूँ। इधर आओ, मेरी बात इधर यहाँ बैठो। ये तीनों पागल हो गए हैं, हम लोगों नहीं छोड़ेंगे बाबा। देखो मेरी बात सुनो। अरे मच्छरदानी मच्छरदानी क्या करे तू? नहीं बाबा, मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने में बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली, ये अचानक काले का रूप धारण कर ली, इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है, इसलिए पब्लिक इशू हो गया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है। इसीलिए झुमरी के मर्द के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। हाँ। तू मेरी बात सुनी यार, क्या? फिर से मार खाना तेरे को। अबे नहीं यार, अभी हम उनको मना के पटा के लॉलीपॉप दिखा के घर की चार दीवारी के अंदर ला के जो उनको धोएंगे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसा करेंगे कोई पब्लिक इशू नहीं होगा, कोई देखेगा सुनेगा नहीं, कैसा रहा मेरा आइडिया? ना सो तेरा। हा? अरे मेरे घर की चार दीवारी में मेरी पत्नी को बुला के मेरी समाधि बनवाएगा। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मेरी माँ के गांव चला जाऊंगा। अबे कायरता के बिगुल, तू हर बात में डरता क्यों है? अंकल, अंकल, रानी का सर दर्द से फटा जा रहा है, वो रो रही है। क्या? मैं रानी को देख के आता हूँ। नहीं, हम लोग यहाँ बैठे किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना किसी को। अरे मैं भी दिख के आता हूँ रानी को। तू बैठ, बैठ, तू जाएगा, वापस आएगा। अरे वो कमीनी चाकू लेके आएगी, मेरा मर्डर कर देगी, मेरे भाई, मेरे को बहुत डर लगता है।